नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, आजकल कई जगह से खबरें ऐसी निकल कर आ रही हैं जहां पर काफ़ी बातें हो रही हैं कि मार्कंडे और रुदरफोर्ड के बाद अब कुछ और खिलाड़ियों का भी ट्रेड हो सकता है, यानी ये भी ट्रेड के जरिए दूसरी टीम में खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। तो दोस्तों, क्या है पूरी न्यूज़, कौन से होंगे वो खिलाड़ी और किस टीम में ट्रेड के जरिए जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। बस दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि IPL से जुड़ी हुई कोई भी न्यूज़ आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, भले ही IPL का अगला सीज़न अभी दूर हो, लेकिन फ्रेंचाइजियों ने टूर्नामेंट के लिए रोड मैप तैयार करना शुरू कर दिया है। IPL 2020 के पहले ट्रेड के जरिए मुंबई इंडियंस ने वेस्टइंडीज़ के ऑलराउंडर खिलाड़ी शरफिन रुदरफोर्ड को दिल्ली कैपिटल से खरीदा, बदले में मयंक मार्कंडे का ट्रेड किया। इसके बाद कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि कुछ और टीमें मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स की तरह ट्रेड के जरिए प्लेयर्स एक्सचेंज पॉलिसी कर सकती है और पिछले सीजन के फ्लॉप खिलाड़ियों को रिलीज करके नए चेहरों को ला सकती है। दोस्तों, पिछले कई दिनों में बहुत सारी खबरें निकल कर आ रही हैं जिसमें ये माना जा रहा है कि मार्कंडे और रुदरफोर्ड के बाद अभी 5 खिलाड़ी भी ट्रेड के जरिए दूसरी टीम से खेल सकते हैं। तो दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं कि कौन से होंगे वो 5 खिलाड़ी। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है शिवम दुबे का, जो कि मुंबई इंडियंस की तरफ से खेल सकते हैं। दोस्तों, IPL 2019 से पहले शिवम दुबे के नाम की काफ़ी चर्चा थी। मुंबई के ऑलराउंडर ने अपनी बल्लेबाजी के साथ खुद के लिए नाम कमाया था और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेलने उतरे थे, लेकिन उन्होंने 4 मैचों में सिर्फ 40 रन बनाए और एक भी विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए। इसलिए दोस्तों, खबरों के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि दुबे को RCB की टीम मुंबई इंडियंस के साथ ट्रेड कर सकती है। इसके बाद दोस्तों, दूसरा नाम है करुण नायर का, जो कि हैदराबाद के लिए खेल सकते हैं। दोस्तों, करुण नायर ने 2018 में पंजाब के लिए 13 मैच खेले थे जिसमें 300 से ज़्यादा रन बनाए थे, लेकिन 2019 के IPL में मनदीप सिंह और सरफराज खान जैसे खिलाड़ियों के टीम में होने की वजह से उन्हें केवल एक ही मैच खेलने का मौका मिला। ऐसे में दोस्तों, अब खबरें ये निकल कर आ रही हैं कि करुण नायर को पंजाब की टीम सनराइजर्स हैदराबाद के साथ ट्रेड कर सकती है। दोस्तों, हैदराबाद को उनके मिडल ऑर्डर में एक अच्छा भारतीय बल्लेबाज चाहिए जिसकी कमी करुण नायर पूरा कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, तीसरा ट्रेड हो सकता है डेविड मिलर का, जो कि RCB टीम में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, डेविड मिलर उन कुछ खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने अपने IPL कैरियर में केवल एक ही टीम से खेला है और इसके लिए एक कारण है। उन्होंने किंग्स इलेवन पंजाब के लिए खेलते हुए कई शानदार पारियां खेलकर टीम को कई मैचेस जिताए हैं, लेकिन पिछले 2-3 सालों से मिलर के प्रदर्शन में काफ़ी गिरावट आई है। मिलर ने पिछले 2 सालों में पंजाब के लिए सिर्फ 13 मैच खेले हैं। ऐसे में दोस्तों, अब कई खबरें ऐसी आ रही हैं जिसमें माना जा रहा है कि मिलर को अगले सीजन से पहले पंजाब की टीम RCB टीम से ट्रेड कर सकती है। इसके बाद दोस्तों, चौथा नाम है लॉकी फर्ग्यूसन का, जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ट्रेड के जरिए खरीद सकती है। दोस्तों, लॉकी फर्ग्यूसन को उनके अच्छे फॉर्म को देखते हुए 2019 के ऑक्शन में KKR ने अपनी टीम में खरीदा था, लेकिन वो उस फॉर्म को IPL में भी जारी नहीं रख सके। उन्होंने इस सीजन 5 मैचों में केवल 2 विकेट लेने में कामयाबी पाई, जिसमें दोस्तों उनकी इकोनॉमी रेट लगभग 11 के करीब रही। हालांकि इसके बाद वर्ल्ड कप 2019 में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की, यहां पर उन्होंने केवल 9 मैचों में 21 विकेट झटके। दोस्तों, CSK की टीम को एक अच्छे विदेशी तेज गेंदबाज की तलाश है जिससे वो KKR से ट्रेड के जरिए खरीद सकते हैं। वह इससे पहले राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट्स के लिए यानी CSK के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ खेल चुके हैं। इसके अलावा CSK के कीवी कोच स्टीफन फ्लेमिंग निश्चित रूप से फर्ग्यूसन की क्षमताओं के बारे में अच्छे से जानते होंगे। इसके बाद दोस्तों, पांचवा और आखिरी नाम है कार्लोस ब्रेथवेट का, जिन्हें पंजाब की टीम ट्रेड के जरिए अपनी टीम में शामिल कर सकती है। दोस्तों, ब्रेथवेट IPL क्रिकेट में एक छोटे से खिलाड़ी की तरह रहे हैं। T20 फाइनल में बेन स्टोक्स पर लगातार 4 छक्के लगाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाने वाले ब्रेथवेट IPL में अपनी टीमों के उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए हैं। ब्रेथवेट को पिछले साल की नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 5 करोड़ की मोटी रकम देकर खरीदा था। दुर्भाग्य से क्रिस लिन, सुनील नारायण और आंद्रे रसेल के टीम में होने से उन्हें सिर्फ 2 मैच ही खेलने का मौका मिला। किंग्स इलेवन पंजाब, जिसने पिछले साल की नीलामी में ब्रेथवेट के लिए भारी बोली लगाई थी, उसे एक ऑलराउंडर की सख्त ज़रूरत है। सैम करन ने IPL 2019 में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन वो भी इतना कंसिस्टेंट नहीं दिखे थे। ऐसे में दोस्तों, फिलहाल कई सारी खबरों में माना जा रहा है कि ब्रेथवेट को KKR की टीम पंजाब के साथ ट्रेड कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी खबर IPL 2020 के ट्रेड को लेकर। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।